फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनामिका एंड सुहानीज वर्ल्ड। ये हमारा पहला कुकिंग वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे वेजिटेबल मसाला मैगी। मैगी सभी को पसंद होती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, और ये बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल मसाला मैगी बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डाल देंगे। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। गरम हो चुका है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हमने ये प्याज काट के रखे हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। एक बार इसे हिला दें। बाकी की जो भी वेजिटेबल्स हमने कट करके रखे थे, जैसे मैं अभी शिमला मिर्च डाल रही हूँ, सारी वेजिटेबल्स हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। ये गाजर मैंने काट के रखी है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। एक छोटा टमाटर काट के रखा है, अब वो इसमें डाल देंगे। और ये मटर, सारे वेजिटेबल्स हम इसमें एक साथ ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ क्रंची होने तक इसे हम पकाएंगे। उसको हमने इसमें 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। इसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से एक बार इसमें मिला लेंगे। और 2 मिनट के लिए हमने जितने भी इसमें मसाले डाले हैं उन्हें पकने देंगे। इन मसालों को हमने 2 मिनट तक इसमें अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम मैगी ऐड कर देंगे। साथ ही में हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। पूरी मैगी बनाने में हमें 1 गिलास से ज़्यादा, करीबन 1.5 गिलास पानी लगेगा। एक गिलास पानी हमने पहले डाल दिया था, अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही में हम इसमें मैगी टेस्ट मेकर भी ऐड कर देंगे। दो पैकेट में इसमें मैगी टेस्ट मेकर ऐड कर रही हूँ और बस अभी कुछ ही देर में बनके रेडी हो जाएगी। इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी ये इंस्टेंट वेजिटेबल मसाला मैगी बनकर अब रेडी हो चुकी है। आइए इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। हमारी वेजिटेबल मसाला मैगी बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।